आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर, पीएम मोदी भी बैठक में होंगे शामिल। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने की 300 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी, सूत्रों के मुताबिक 175 से ज्यादा सीटों के कैंडिडेट तय। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, राम मंदिर निर्माण की लहर में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ाने पर बनी सहमति, शीर्ष नेतृत्व ने भी योगी को अयोध्या से लड़ाने को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में अपना दल और निषाद पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन किया है, दोनों ही पार्टियों के नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा। यूपी विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर दिल्ली में मंथन, अनुप्रिया पटेल के बाद अमित शाह से मिले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। बताया जा रहा है 2017 में जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था उनमें से आधी सीटों पर बीजेपी बदल सकती है उम्मीदवार। सूत्रों के मुताबिक कुछ मंत्रियों की सीट भी बदल सकती है बीजेपी, खराब रिपोर्ट कार्ड वाले मंत्रियों पर गिरेगी कार्ड। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दो दिन में दूसरा बड़ा झटका, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी दिया इस्तीफा। दारा सिंह ने सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी से इस्तीफा दिया, वो मुख्तार अंसारी की घोसी सीट से लड़ने की कर रहे तैयारी। माना जा रहा है कि जीत के लिए दारा सिंह चौहान ने बदली है रणनीति, मुख्तार अंसारी की आपराधिक छवि से दूर रहने के लिए दारा सिंह को टिकट दे सकती है समाजवादी पार्टी। जातिगत समीकरणों के हिसाब से भी दारा सिंह के लिए घोसी सीट ज्यादा सुरक्षित, पिछली बार मधुबन सीट से जीते थे दारा सिंह। समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं दारा सिंह, सूत्रों के हवाले से खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य से करीबी माने जाते रहे दारा सिंह। अखिलेश यादव ने दारा सिंह के साथ फोटो की ट्वीट, कहा सबको सम्मान सबको स्थान, दारा सिंह चौहान का सपा में स्वागत। उत्तर प्रदेश चुनाव के अलचल के बीच ओपी राजभर का दावा, बीजेपी के हर रोज एक से दो विकेट गिरेंगे, 20 जनवरी तक बीजेपी के 18 मंत्री देंगे इस्तीफा। बीजेपी को अलविदा कहने वाले यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी का वारंट जारी, धार्मिक भावनाएं भड़काने पर कोर्ट का आदेश। 24 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य को पेश करने के आदेश, 7 साल से चल रहा धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा। बीएसपी में रहते स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था पूजा न करने का बयान, बीजेपी छोड़ने के बाद चर्चा में है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने पर सस्पेंस बरकरार, कहा 14 जनवरी को करूंगा आखिरी धमाका। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर हमला, कहा 14 जनवरी को वो जो फैसला लेंगे वो सरकार के ताबूत में आखिरी कील जैसा होगा। अखिलेश संग तस्वीर पर ट्वीट पर बोले स्वामी प्रसाद, अखिलेश का धन्यवाद करता हूं लेकिन मुझे कहां जाना है, निर्णय कार्यकर्ताओं से मिलकर लूंगा। दल बदलुओं की एंट्री से गदगद अखिलेश, कहा स्वामी प्रसाद के आने से जीत दूर नहीं, दारा सिंह आएंगे तो लड़ाई और मजबूत होगी। अखिलेश यादव ने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे का निकाला फॉर्मूला, डबल डोज फॉर्मूले के तहत होगा सीटों का बंटवारा। डबल डोज फॉर्मूले के तहत सहयोगी दल कुछ सीटों पर अपने चुनावी निशान पर लड़ेंगे, सहयोगियों के कुछ उम्मीदवार साइकिल के निशान पर लड़ेंगे। पार्टी में विरोध और टूट फूट से बचने के लिए अखिलेश एक बार फिर से सीट बंटवारे का नहीं करेंगे ऐलान, अलग अलग चरणों के हिसाब से सीट बांटेंगे। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन सहयोगियों को अखिलेश यादव दे सकते हैं 70 से 80 सीटें, आरएलडी को 26 से 30 और राजभर को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी में बहुत जल्द होगा गठबंधन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, राजभर ने कहा आज पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों की आ सकती है लिस्ट। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को झटका, इमरान मसूद ने थामा एसपी का दामन, अखिलेश यादव ने ज्वाइन कराई पार्टी। इमरान मसूद ने बीजेपी पर सादा निशाना, कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार 10 सीट भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी। अखिलेश के साथ बैठक पर आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद बोले सीटों की संख्या को लेकर अभी बात नहीं हुई, फेज वाइज लिस्ट होगी जारी। अखिलेश के साथ बैठक के बाद अपना दल के कृष्णा पटेल का बयान, सीटों पर फिलहाल बात नहीं हुई है, दो दिन बाद कोर कमेटी की बैठक में होगा फैसला। बीजेपी से विधायकों के इस्तीफे पर समाजवादी पार्टी का तंज, कहा जो अनुसूचित जाति और पिछड़ों की तरक्की चाहते हैं वो हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बिरयानी खाकर फंसे ओएसी समर्थक, एआईएमआईएम की बिरयानी पार्टी पर पुलिस का छापा, आदर्श आचार संहिता मामले में मुकदमा दर्ज। यूपी के सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता के साथ हुए गोलीकांड में चौंकाने वाला खुलासा, टिकट पाने की चाहत में कांग्रेस नेता रीता यादव ने रची साजिश। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस से विधानसभा का टिकट पाने के लिए रीता यादव ने खुद पर चलवाई गोली, रीता यादव समेत 3 लोग गिरफ्तार, इस्तेमाल किया हथियार भी बरामद। उत्तराखंड में कांग्रेस ने किशोर उपाध्याय पर लिया एक्शन, पार्टी के सभी पदों से हटाया, बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया। सीएम धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, राज्य में बीजेपी के दोबारा सरकार बनने का किया दावा, परिसंपत्ति विवाद सुलझने पर योगी सरकार की तारीफ। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को डोर टू डोर कैंपेनिंग पर नोटिस, 24 घंटे में चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। पंजाब में केजरीवाल के डोर टू डोर प्रचार पर भड़की कांग्रेस, मंत्री राजकुमार बेरका ने कहा पंजाब में कोरोना फैलाकर चले जाते हैं। जी हिंदुस्तान पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा पंजाब में पीएम को भी देंगे सुरक्षा, पंजाब के आम लोग सुरक्षित नहीं, लोग बदलाव चाहते हैं।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। जैश का एक आतंकी ढेर, 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर, एक जवान शहीद। एलएसी विवाद पर चीन से बात जारी, लेकिन खतरा टला नहीं। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा, हमारी स्थिति मजबूत। चीन ने 2 साल में भूटान सीमा पर किए 6 जगह कब्जे, 200 से ज्यादा बनाए गए ढांचे, अवैध कब्जों के लिए किया कोरोना महामारी का इस्तेमाल। पीएम की सुरक्षा में चूक पर यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा पंजाब के सीएम चन्नी ने प्रोटोकॉल का उड़ाया मजाक, पीएम पर ड्रोन से भी हो सकता था हमला। केंद्र सरकार ने बीजेपी से जुड़े कई नेताओं और मंत्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला किया है, सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सेना के पूर्व अधिकारियों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, गंभीरता से जांच की मांग की। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद तापमान माइनस में पहुंचा, पेड़ों और सड़कों से लेकर के घरों की छतों पर बर्फ की परत जम गई। कड़ाके की ठंड की वजह से श्रीनगर समेत कई इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ी। श्रीनगर की मशहूर डल झील के साथ साथ पानी के ज्यादातर स्रोत जम गए। हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, बर्फ से ढके पहाड़ सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं, पर्यटकों से पूरा इलाका गुलजार। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में कुदरत का कहर, भारी बारिश के बाद यहां कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात।